तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। इसका एक अल्टरनेटिव तरीका है, ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है, वो देख सकते हैं। आपको ये दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, और ठीक है, चलिए देखिए क्या कैसे करते हैं, टाइम नहीं लेते हम लोग, ठीक है। इसे पहले रेशनलाइज कर दिया जाए तो 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 1 माइनस कॉस एक्स से, ठीक है, डी एक्स। तो ये 1 a+b और a-b क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या हो गया आपका, a-b और a-b, तो ये पर्टिकुलर ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कर दिया। ये सारा काम आप अगले स्टेप में करोगे, ठीक है। अब देखिए, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, 10th की पॉपुलर आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, क्यों ना इसको एक ही ब्रैकेट में कर लिया जाए और एक इंडिविजुअल स्क्वायर लगाया जाए, ठीक है। अब एक काम और कर लीजिए, इस साइन को अलग अलग हम क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। तो क्या कर ले हम लोग यहाँ पे, 1 अपॉन साइन एक्स और cos/sin x। अब बताइए 1 अपॉन साइन को क्या कहते हैं, कोसेक एक्स, और cos/sin को कॉट एक्स। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक एक्स, और ये हो गया आपका कॉट एक्स, कॉट एक्स का होल स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए। अब आइडेंटिटी लगाते हैं, a-b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर और -2ab, 2 cosec x और cot x। अब देखिए ध्यान से, तो ये इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंच गया। इसका क्या होता है आपका, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -cosec x, और इसका क्या होता है आपका, -cot x। लेकिन इसका तो होता नहीं है ना, या तो cot का होता है या sec स्क्वायर का होता है, तो अरे कोसेक स्क्वायर का होता है या तो सेक स्क्वायर का होता है। तो क्या करें हम लोग, यहाँ से इसको कोसेक में बदल सकते हैं, क्या लिख दें, cosec² - 1। तो इस कॉट स्क्वायर को हम cosec² - 1 लिख दे रहे हैं, तो cosec² x - 1, और ये कोसेक स्क्वायर और ये कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो यहाँ हटा के हम लिख दे रहे हैं 2 टाइम्स cosec² x - 1। तो आपके पास 3 टर्म आ गए, एक ये हो गया, 1 हो गया और ये हो गया, और तीनों के ही डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है। इसका मतलब ये स्टेप क्या है आपका, इंटीग्रेबल फॉर्म है ना। तो इसका इंटीग्रल अलग कर लेंगे, क्योंकि इंटीग्रल क्या होता है आपका, लीनियर ऑपरेटर होता है, तो वो इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ cosec² x dx माइनस 1 dx और माइनस 2 बाहर, और इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स और cot x dx हो जाएगा। अब सबका फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा आपका, 2, इसका -cot x आएगा, तो माइनस पहले लगा देते हैं, cot x, और माइनस 1 का क्या हो जाएगा, x, और उसका आएगा -cosec x, तो माइनस पहले से है, प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स cosec x प्लस c, ठीक है। ये तो आंसर आ गया, लेकिन आपकी बुक में, ठीक है, ये जो आंसर दिया गया है ये नहीं है। तो क्या आपको अपने जो भी मेंटर आपके हैं, टीचर हैं, ट्यूटर हैं, या जो भी आपको गाइड करता है, उनसे ये पूछिएगा कि ये आंसर गलत है या ये आंसर सेम है जो पहले वाले मेथड से आया था, ठीक है। और आपके कन्फर्मेशन के लिए बता दें कि ये आंसर उससे मैच कराया जा सकता है, ठीक है, और ये आइडेंटिकल है, ये भी सही है और वो भी सही है, लेकिन क्यों, ये आप अपने सर से पूछ के कमेंट करेंगे नीचे।